subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good evening students, welcome to Mindra's official YouTube channel. चलिए आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग अपनी ये क्लास स्टार्ट कर देते हैं. गुड इवनिंग सियाजीजर सेवन, गुड इवनिंग सॉफ्टवेयर पर्ल्स, गुड इवनिंग चरिंद, गुड इवनिंग जयदेव. चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक है मेजर प्लैटियूज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक, इसमें हम लोग सारे प्लैटियूज कवर करेंगे. कौन सा प्लैटियू कहाँ है, कितने प्लैटियूज हैं, इससे ज़्यादा है कि हमारा कौन सा प्लैटियू कहाँ पर है. ये प्लैटियू से कभी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये प्लैटियू होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं पठारी, होते क्या है, कुछ नहीं. याद रखिए हम लोग कभी भी हाइट जो नापते हैं वो हाइट हमेशा सी लेवल से नापते हैं. कहाँ से नापते हैं, हमेशा सी लेवल से नापते हैं. ठीक है ना, सी लेवल से इसकी एक अच्छी खासी ऊँचाई होती है. हाँ, पहाड़ों से कम ऊँचाई होती है, बट ये ऊँचे होते हैं, अपलैंड्स होते हैं. ठीक है, तो आप इसको आराम से कह सकते हैं, क्लियर. हाँ, आपसे टाइप्स ऑफ प्लैटियूज तो नहीं पूछा जाता है एसएससी में, ये मैं कहूँगी, बट हाँ कौन सा प्लैटियू कहाँ ये पूछे जाने के चांसेस हैं. अगर आप चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लैटियूज में मैं आपको बता दूँ तो ये आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं टाइप्स ऑफ प्लैटियूज भी आप लोगों को बता दूँगी. ठीक है, चलिए तो ये है हमारा मैप जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर जगह कहाँ पर कौन सा प्लैटियू है. कोलंबिया, कोलोराडो, ठीक है, लॉरेंशियन, एप्लेंशियन, पीडमाउंट. ठीक, ये आपको लॉरेंशियन तो आपको कनाडा में मिलेगा, एप्लेंशियन जो है वो, पीडमाउंट जो है ये सब थोड़ा अमेरिका में, कोलंबिया, कोलोराडो भी अमेरिका में. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल मैक्सिकन, मैक्सिको सिटी में, फिर आपका गुएना, फिर आपके एंटीप्लानो एंड ब्राज़ीलियन, फिर आपका पैटागोनियन. तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के आपके प्लैटियूज. फिर इसके बाद बात करें तो अफ्रीका में एक अगर प्लैटियू है. हाँ, प्लैटियू है कौन सा, ये जो डार्क ब्राउन शेड है ना, ये डार्क ब्राउन शेड आपको प्लैटियू बता रहे हैं, ये यूथोपियन है. ठीक है, एंड दिस इज साउथ अफ्रीका प्लैटियू, क्लियर. फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लैटियू है मसाटा, फिर सेंट्रल मैसिव, आपका सेंट्रल रशियन अपलैंड, साइबेरियन प्लेन्स, सेंट्रल साइबेरियन प्लैटियू, मंगोलिया, तिब्बतन प्लैटियू, तिब्बतन प्लैटियू आपका सबसे बड़ा बोला जाता है. ठीक है, गुड इवनिंग रिमझिम, डकन प्लैटियू हो गया. ठीक है, एंड आपका यूनान शान प्लैटियू, एंड ऑस्ट्रेलिया में दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लैटियू. ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके यहाँ पे वर्ल्ड में मेजर मेजर प्लैटियूज. ठीक, अब एक एक प्लैटू के बारे में जितनी जितनी डिटेल्स हमारे पास थी हम इकट्ठा कर पाए उतनी सारी डिटेल्स, उन पर फोकस करेंगे. लाइक हमारा तिब्बतन प्लैटू है जिसका लोकेशन है सेंट्रल एशिया. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, ये पॉपुलरली क्या नाम होता है इसका, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका माउंटेन रेंजेस से आसपास सराउंडेड रहता है. ठीक है, इसकी दो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, एक माउंट एवरेस्ट और एक K2, ये दोनों इसकी क्या है, माउंटेन पीक्स. फिर बात करते हैं फॉर्म्ड ड्यू टू, आप कह सकते हो इसके आसपास सराउंड करती हैं, ये इसकी है नहीं, आसपास सराउंड करती, तो इसके आसपास जो सराउंडिंग्स आपको माउंटेन रेंजेस मिलते हैं उन माउंटेन रेंजेस की ये दोनों हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं आपकी, क्लियर. फिर ये कैसे बना, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लड़ी भिड़ी, एक दूसरे से कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद यहाँ पर आपके टूटा भिड़ा और आपका जो चीज़ें इकट्ठा हुई उससे ये आपका तिब्बतन प्लैटू बना. फिर आता है कोलंबिया जिसको स्नेक प्लैटू भी बोलते हैं, वॉशिंगटन, ओरेगॉन एंड आपका इडाओ, ये यूएस में ही पड़ता है, अभी मैंने लोकेशन दिखाई, ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आपका एक प्लैटू है, इसीलिए यहाँ पर आपको बेसाल्टिक लावा टाइप की सॉल्ट, मतलब सॉइल मिलेगी इसके पास, तो ये बेसाल्टिक लावा काइंड ऑफ अ प्लैटू है. यहाँ पर फ्लड भी आपकी कौन सी, फ्लड बेसाल्टिक प्लैटू भी इसको बोला जाता है. क्या बोला जाता है, फ्लड बेसाल्टिक प्लैटू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, इसलिए
मैम व्हेन मैग्मा फेल टू ब्रेक थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ देन प्लेट्यू अकर्स. हाँ बिल्कुल. और जब आपका बाहर आके पूरा ऊंचा, और कई बार तो ऐसे होता है बहुत पुराने पुराने आपके वॉल्केनोज होते हैं, वो भी उनके ऊपर आपका कह सकते हो कि अंदर से कभी भी लावा फट के बाहर नहीं आया, ठीक है ना, डोरमेंट हो गए वो या एक्सटेंट होने वाले, तो वो भी आपका उनके ऊपर का सरफेस फ्लैट हो गया, तो धीरे धीरे करके वो भी प्लेटू का शेप ले लेते हैं. प्लेटू का शेप होता ही क्या, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे करके प्लेटू का शेप होता है. ऊपर का सरफेस, ऊपर का रूफ होता है आपका फ्लैट, और साइड में ऐसे आपके रहता है पहाड़, ऐसे होते प्लेट्यूज ऐसे, ठीक है. पैटलैंड बोलते हैं इसको, जिसकी चीजें ऊपर आती है उसको हम लोग पैटलैंड बोलते हैं, ठीक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोलोराडो प्लेटू. कोलोराडो प्लेटू का क्या है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस. क्या ये यूएस का दक्षिण पश्चिम भाग है. यूएस का क्या है, दक्षिण पश्चिम भाग है, ठीक है. फिर बात करते हैं ये रॉकी माउंटेन्स जो हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे नॉर्थ एंड ईस्ट में, नकुल गुड इवनिंग इसके पास, और यहाँ पर वेस्ट साइड में दिखेगा आपको ग्रेट बेसिन, साउथ साइड में सोनरन डेजर्ट. कहाँ पे, कोलोराडो प्लेटू में, यूएस, ठीक है. फिर आता है आपका डकन प्लेटू. अब अगर हम लोग डकन प्लेटू की बात करते हैं तो यहाँ पर डकन प्लेटू इंडिया में है, ये लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया में, ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के पास आपको बीच में मिलेगा. ये भी आपका वॉल्केनिक ब्लास्टिक बेड के तौर पे आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है. और यहाँ पर आपके क्या है बताइए, डक्कन ट्रैप जैसा बना हुआ है पूरा, ऐसा करके आपने देखा है ना इंडिया के मैप में, तो आप लोग मैक्सिमम टाइम ही देखते हैं. ये क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें पेन का शायद कुछ इशू हो गया, तो पेन थोड़ा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. चलो लेट इट बी, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको मालूम है इंडिया का जो नीचे का पोर्शन है वो ऐसा पेनिनसुलर एरिया जैसा होता है, ठीक है ना. ये जो पेनिनसुलर एरिया जैसा होता है, इसी में आपके बीच में कुछ एरिया ऊपर की तरफ आप देखते हो कि डकन प्लेटू की साइड पर आपका जाता है, ठीक है. वहाँ पर आपको डकन ट्रैप भी दिखता है, मतलब पहले का आपके वॉल्केनो के अवशेष या पहले यहाँ पर वॉल्केनो रहा है उसके अवशेष, ठीक है. नेक्स्ट बात कर ले हम किम्बर्ले प्लेटू. किम्बर्ले प्लेटू आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया. ये वॉल्केनिक इरप्शन से है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट आपको दिखेंगे, ठीक है. यहाँ पर डायमंड भी आपको दिखता है और ऑयल्स भी आपको दिखते हैं, ठीक है. जयदेव गुड इवनिंग. नेक्स्ट आता है आपका जिस प्लेट्यू की हम लोग बात करें, कटांग प्लेट्यू. कौन सा प्लेट्यू है आपका, कटांग प्लेट्यू वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है. जहाँ पर आपका कॉपर और यूरेनियम के डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं, और ये बहुत अच्छा एरिया है आपका फार्मिंग के लिए एंड रैंचिंग के लिए, ठीक है. अब बात करते हैं हम मैस्करेन प्लेट्यू. ये इंडियन ओशन के पास है, ये सेकेंड लार्जेस्ट अंडर सी प्लेट्यू है, मतलब ये समुद्र के अंदर का प्लेट्यू है, ठीक है. ये इंडियन ओशन के पे दिखता है आपको, और ये आपको किसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट अंडर सी प्लेट्यू है, नंबर वन है आपका कैरुग्लेन. कैरुग्लेन के बाद ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लेट्यू है अंडर सी, समुद्र के अंदर वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है. यहाँ पर आपको ग्रेनाइट दिखेगी, ठीक, जो वो ग्रेनाइट दिखती है, और ग्रेनाइट बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा महंगा पत्थर होता है. और ये गोंडवाना प्लेट्यू में दिखेगी, गोंडवाना जो आपकी प्लेट्स है ना, गोंडवाना प्लेट्स वहाँ पे. अच्छा जयदेव, ओके श्योर, आई एम गोइंग टू विश यू, ठीक है. अच्छा मयूर, यू आर फ्रॉम राजकोट ब्रांच, ठीक है, गुड. चलिए तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉरेंशियन प्लेटू. लॉरेंशियन प्लेटू आपका कनाडा में पड़ता है, इसको कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है. प्री कैम्ब्रियन एरा और इग्नियस
और आप कह सकते हो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक पे हैं। फाइन क्वालिटी के आयरन ओर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिकन प्लेटू, जो कि मैक्सिको में है। इसको हम लोग मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी बोलते हैं, ये मिनरल स्टोर भी इसको बोला जाता है, और ये वर्ल्ड का सिल्वर माइन यहाँ सबसे बड़ी है, जो आपकी चुआवा है, ठीक। फिर आपका आता है पैटागोनियन, जो कि अर्जेंटीना का प्लेट्यू है, ठीक। यहाँ पर आपका सेमी एरिड स्क्रब एरिया है, और रेन शेडो एरिया और डेजर्ट प्लेट्यू के नाम से ये जाना जाता है। फिर इसके बाद ये शीप रेयरिंग के लिए, यहाँ पे भेड़ पालन बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम अल्टीप्लानो प्लेट्यू या बोलिवियन प्लेट्यू, जो कि साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ पेरू और बोलीविया की तरफ पड़ता है। ये आपका इंटर माउंटेन बेसिन में पड़ता है, और टिन रिजर्व्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैसिव सेंट्रल ये फ्रांस में पड़ता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं, ठीक है, और कई बार इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से आपका ये एरिया ऊपर अपलैंड हो गया। बेटा मयूर यहाँ पे प्लेट्यूज टॉपिक चल रहा है, ठीक है, प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो टॉपिक चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो आपका, अब चाहे वॉल्केनो के तो अलग होगी, पर दो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में लड़ी तो थोड़ा सा आपका ऊंचा एरिया हो गया, और उसका ऊपर का टॉप जो है वो फ्लैट है, तो क्या बन जाता है आपका, बताइए, वो बन जाता है प्लेट्यू, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका स्पैनिश प्लेट्यू है, और आपका एनाटोलियन प्लेट्यू है। एनाटोलियन प्लेट्यू आपका कहाँ पे मिलता है, ये आपके टर्की में मिलता है, कहाँ मिलता है, टर्की में। ये आप लोग एशिया माइनर के नाम से भी जानते हो, और यहाँ पे सबसे अच्छा वूल मिलता है, और यहाँ की जो गोट होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, जिनकी जो आप कह लो हेयर्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं, ऊन बनता है, ऊन वुलन क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, ये होता है। और आपका अंगोरा गोट जो होती है वो बहुत फेमस है यहाँ। फिर स्पैनिश प्लेट्यू या इबेरियन प्लेट्यू जो स्पेन में है, वो वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है, और यहाँ पर आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग वर्मा जी। नेक्स्ट है आपका लॉसेस प्लेट्यू, लियोस प्लेट्यू, जो कि चाइना में है, और ये कहाँ पे आपका हुआंगचू प्लेट्यू इसका नाम है। ये बहुत ही आप लोग कह सकते हैं हाईली इरोडेबल सॉइल है अर्थ पे यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स, आप लोग कम्प्लीटली फ्री अपने कमेंट्स में लिखने के लिए, मैं आपको वो चीज़ वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटोहार प्लेट्यू, ये पाकिस्तान में है, ये ईस्ट साइड में झेलम रिवर है, वेस्ट साइड में इंदस रिवर, नॉर्थ में काराचित्रा रेंज है, और आप कह सकते हो मार्गाला हिल्स भी है, एंड ऑन दी साउथ यहाँ पे आपको सॉल्ट रेंज दिखेगी। फिर इसके बाद आपका आता है बेवरियन प्लेट्यू, जो कि जर्मनी में है, जिसको हम लोग अप्लाइन फोरलैंड भी बोलते हैं। ये आपका आइस एज से इन्फ्लुएंस है, उस टाइम की पुरानी है, ठीक है, बिल्कुल सही प्रयाग जी, वेरी गुड। एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठा होता है, अपलैंड होता है, बट ऊपर का जो रूफटॉप इसका होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं आपका आगर प्लेट्यू की, जो कि अल्जीरिया में है, इसको आप लोग हुगर बोलते हो, ठीक है, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, सेंटर में सहारा है, और फिर आपका नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये समझ पाई। क्लियर था। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैम इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, अगर हम बताएं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा प्लेट्यू जो है वो वॉल्केनिक नहीं है, इसमें से कौन सा प्लेट्यू आपका टर्की में पड़ रहा है,
इसमें से कौन सा प्लेट्यू ऐसा है जो आपका यूएस में पड़ता है? तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। चलिए फटाफट, भाई आप ही लोगों की डिमांड थी, मैम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक बार हम लोगों को डिटेल में रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है? तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई रिवीजन पैटर्न से, तो वही हम लोग ध्यान देंगे। पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना समझौता किसके बीच का समझौता था? नेहरू और अम्बेडकर जी के बीच का समझौता है, गांधी एंड अम्बेडकर जी के बीच का समझौता है, आपके मालविया जी अम्बेडकर जी के बीच का समझौता है, या गांधी जी और नेहरू जी के बीच का समझौता है? बताइए, आंसर बताओ। ऑप्शंस बाद में हाईलाइट होंगे क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल पैटर्न में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ऑप्शंस नहीं दिए, हमको आपके आंसर जानने, ठीक है? ठीक, चल देखिए, यहाँ पे आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, गांधी जी एंड अम्बेडकर जी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि गांधी जी यरवड़ा चेल पुणे में थे, वहाँ पर ये अनशन पे चले गए थे। इन्होंने कहा था कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं या जो हमारे हरिजन भाई बहन हैं उनको हम लोग अलग नहीं करेंगे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, जातिवाद के आधार पर वोटिंग सिस्टम नहीं बटेगी और ना किसी को स्पेशल वोटिंग देगी। ये बात ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका पूना पैक्ट साइन हुआ था, साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, यरवड़ा जेल में। और तब जाके महात्मा गांधी जी ने अपना खाने का अनशन जो था वो तोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रावी रिवर इज एट द बैंक ऑफ, रावी नदी किसके तट पर है? स्वीडन, रोम, पाकिस्तान या नॉर्वे? बताइए भाई। बिल्कुल सही आंसर है आंसर सी, आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। पाकिस्तान जो है वो रावी नदी वहीं से जाती है और रोम के पास आपकी टिबर रिवर जाती है। कौन सी जाती है? टिबर रिवर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद द ट्रायल? 1945 में जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनका मुकदमा किसने डिफेंड नहीं किया था? बताइए। सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? बताइए, इसका भी सी आंसर आ रहा, सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल सही आंसर सी, बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द इंक्वायरी कमिटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज हेडेड बाय, जलियांवाला बाग की आप कह सकते हो जांच समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? बताइए किसकी अध्यक्षता में बनी थी, जनरल डायर, जनरल इरविन, आपका हंटर या साइमन कमीशन? बताइए। किसके में बनी थी? बिल्कुल सही, हंटर कमीशन, आंसर सी हंटर कमीशन, बिल्कुल सही। यहां पर आपका 14 अक्टूबर 1919 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, आपके एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक, इन्होंने क्या करा था बोलिए? इन्होंने एक इंक्वायरी आपकी कमेटी बिठाई पंजाब के केस को देखने के लिए, जिसको रेफर किया डिसऑर्डर इंजीनियरिंग कमिटी, ठीक है, कमेटी, मतलब किस तरीके से क्या आपकी व्यवस्था हुई जिसकी वजह से आपने यहाँ पर क्या किया, गोलाबारी करी और मासूम लोगों की जान चली, ठीक। शुरू में तो इसका नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी थे, बाद में इसका नाम हमने हंटर कमीशन कर दिया है, ठीक। चलो नेक्स्ट आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड बे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके साथ बराबरी की थी? बताइए, मसोलिनी, ठीक है, या आप कह सकते हो मैसानी,
केवर गैब्रेलिनी और सॉरी या आपका गैरिबाल्डी, ठीक, बिस्मार्क, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, कैवोर और आपका मसूनी, इनमें से कौन है जिसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़े जाते हैं? इन्होंने अपने राज्यों को जोड़ा था, कंट्री को जोड़ा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी अपनी कंट्री को जोड़ा था इसके लिए। बिल्कुल सही है, आयरन मैन इनको भी, उनको दोनों को ही बोला जाता है। तो बिस्मार्क क्या होगा आपका? बिस्मार्क, ठीक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कंपनी, आप बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉड दी कंपनी इन डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग, बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कंपनी का डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन लेकर आया था, किस चीज़ को प्रतिनिधित्व कर रहा था? द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, द इंग्लिश मर्चेंट इन इंडिया, द इंडियन मर्चेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स, बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉड द कंपनी इन डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग, बताइए किसको रिप्रेजेंट करी थी पिट्स इंडिया एक्ट वाली कंपनी? बिस्मार्क को आयरन मैन बोला जाता है, बिस्मार्क ने जर्मनी को जोड़ा था, जर्मनी को जोड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले, ठीक है। इसका आंसर ए आया है, तबस्सुम का भी आंसर ए आया है, प्रयाग जी का भी आंसर है, सॉफ्टवेयर का भी आंसर बी है, मैट फॉर इंडियन आर्मी का आंसर बी है, ठीक है, पारिक का आंसर बी है, ओके। द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, चलो चेक कर लेते हैं, आंसर ही एग्जैक्टली सही है, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, क्योंकि जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट था 1784 में बना था, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बना था। एक्चुअली में क्या हुआ था, कंपनी जो थी वो पैसे की डिमांड कर रही थी, उसको पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि ये कंपनी कुछ काम कर रही थी, तो पैसे के, आप इतना मान लीजिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी और वो पार्लियामेंट से पैसे मांग रही थी, तो पार्लियामेंट ने उससे कहा आपको पैसे देने को तैयार, बट याद रखिए जैसा हम बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक, ये डील हुई थी, इसीलिए इन्होंने कहा था ठीक है आप पिट्स इंडिया एक्ट पास करिए, और फिर कंपनी ने इनको लोन दे दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की? डांडी, खेड़ा, साबरमती, चंपारण, बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका जो दे रहे हैं, हाँ शिवम ओम तिवारी आंसर सही है, वेरी गुड, आंसर सही, हाँ 1917 वाला, बिल्कुल सही है, चंपारण 1917 में जो राजकुमार शुक्ला जी के पास गए थे तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट, जहाँ पे फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था क्योंकि वो इंडिगो अफीम उगा रहे थे, और 3/20 भाग जो था ज़मीन का उसमें आपका अफीम उगाना बहुत ज़रूरी था, ओपियम उगाना, सॉरी ओपियम नहीं, इंडिगो, इंडिगो, ओपियम तो अफीम हो जाती है, इंडिगो मीन्स नील, नील, नील उगाना बहुत ज़रूरी था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी वजह से आपका वो ज़मीन आपकी बंजर हो जाती थी, क्योंकि नील उगाने के बाद वो ज़मीन बंजर हो गई तो उसमें कुछ और नहीं उग सकता, ऊपर से आप टैक्सेस और ले रहे हो भी इतने ज़्यादा ले, इसलिए इन लोगों ने डिमांड करी थी, ठीक। चल अब इसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दादाभाई नरोजी स्वराज मीन्स, दादाभाई नरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बताइए।
इंडिगो, हाँ सॉफ्टवेयर पल्स इंडिगो, इंडिगो मीन्स नील। ओपीएम थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो इसका आंसर चेक करते हैं क्या। इसका आंसर बी एग्जैक्टली सही। ठीक है, दादाभाई नौरोजी जी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। ये इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे। इन्होंने डिमांड करी थी आपकी किस चीज़ की, स्वराज की इन्होंने करी थी। बिल्कुल, दादाभाई नौरोजी जी ने ही पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था और इसकी डिमांड करी थी कलकत्ता सेशन 1906 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बहुत भाई गोपाल कृष्ण सॉरी बाल गंगाधर तिलक जी, स्वराज और ये स्वराज पार्टी, ये सब अलग बात से। सबसे पहली बार आपका दादाभाई नौरोजी जी ने सेल्फ रूल की बात करी थी, आपकी स्वराज की बात करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लैंडमार्क और डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। लैंडमार्क और डलहौजी के प्रशासन में शामिल नहीं था, बताओ। इंडियन रेलवे, इंग्लिश एज अ मेंटोर ऑफ इंस्टीट्यूशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और टेलीग्राफ, बताइए कौन सा ऐसा था जो कि डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, उसके समय का, उसके कार्यकाल का नहीं, बताइए। टेलीग्राफ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंडियन मैस्टिफ, बताइए कौन सा होगा। आंसर बी आ रहा है और आंसर बी एग्जैक्टली सही। जो लैंडमार्क है डलहौजी का और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरीके का, वो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे काम डलहौजी के टाइम पर हुए थे, पर इंग्लिश मीडियम के इंस्ट्रक्शन वाला काम इसके टाइम का नहीं है। ठीक है, इसके टाइम का नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आंसर भी। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रांसीसी समझौता इनमें से कौन सा नहीं है। पुडुचेरी, माहे, गोवा, आपका चांदनगर, बताइए इनमें से कौन सा है जिसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं दिख रहा है। बोलिए इसमें से कौन सा है। महादेवियन, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, गुड इवनिंग, तो आप कंप्लीटली फ्री हैं चीज़ें पूछने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। चल, आंसर सी एग्जैक्टली सही है। गोवा जो है वो पोर्टुगीज का है, इस बात को ध्यान रखिए, काफ़ी पुराने समय से, ठीक 450 साल के टाइम से, पर 1510 के समय में पोर्टुगीज ने डिफीट किया बीजापुर के किंग को और उसके बाद इसको अपना लोकल एलाई बनाया। ठीक है, और यहाँ पर आपका तिमाया जो है वो आपका परमानेंट सेटलमेंट की बात करता है, किसमें, बेल्ला गोवा में। जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है कॉर्नवालिस का, वैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए अल हिलाल क्या है बताइए। अल हिलाल एक तरीके से आपकी उर्दू लैंग्वेज का पेपर है जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने आपका क्या किया है, उसमें ब्रिटिश इंडिया का क्रिटिसिज्म लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के समय में बंगाल का नवाब कौन था, आपके मीर जाफर, मीर कासिम या आपके सिराजुद्दौला, बताइए कौन थे। बोलिए कौन थे इसमें से भाई। मीर जाफर, सॉरी स्टूडेंट्स, मीर जाफर है आपके, मीर कासिम है, सिराजुद्दौला, या इनमें से कोई भी नहीं, जिनको आप नवाब ऑफ बंगाल बोल दोगे। बैटल ऑफ प्लासी के समय में ये थे, सिराजुद्दौला, 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 मीर कासिम, मीर कासिम, सी आंसर। ठीक है, चलो चेक कर लेते। सिराजुद्दौला आंसर आप लोगों का एग्जैक्टली सही है। 1757 में ये आपको यहाँ पर दिखे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते। सुभाष चंद्र बोस जो है
इन्होंने यहाँ पर अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया की, वो उन्होंने कहाँ पे बनाई थी? बर्लिन, बैंकॉक, सिंगापुर या टोक्यो, बताइए कि कहाँ पे बनाई थी। सी आंसर आया सिंगापुर, शिव ओम तिवारी का, तबस्सुम का भी, पुष्प रंजन का भी, चलिए चेक करते हैं। आंसर सी एग्जैक्टली सही, कि जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है फ्री इंडिया की, ठीक, जिसको हम लोग आज़ाद हिंद बोलते हैं, ये धीरे 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 करके आपके भारत के प्रांतों में सरकारी स्कूल खोलने के काम कर रही है। क्या ये सरकारी स्कूल खोल सकती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोल सकती है? कोई भी बताइए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रांतीय सरकार, और आज के टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल खोल सकती है, पर ये आपकी किस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट की बात की? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोली जा रही, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी टुकड़ी बना दी है, इनका ये कहना था, ठीक है, यहाँ पर इनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कहना था कि हमने एक छोटी सी टुकड़ी यहाँ पर बना दी है, वो छोटी सी टुकड़ी हमारे आज़ाद भारत की टुकड़ी है जो यहाँ पर रह रही है, आज़ाद हिंद में रह रही, फ्री इंडिया में रह रही, ठीक है। और इन्होंने आपका ये इस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में 1943 में, ठीक, और इनको सपोर्ट किसने किया था? जापान ने, नाजी का, जर्मनी ने, इटली ने, ठीक है, इनने इनको क्या किया था? सपोर्ट किया था, ठीक। जयदेव क्या टॉपिक रिपीट करना है ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो परमानेंट सेटलमेंट है जो कि कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में, उसको क्या बोलते हैं और किस नाम से बुलाते हैं? आप लोग कहिए रैयतवारी सिस्टम, ठीक, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या इक्तेदारी सिस्टम, बताइए। कि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कॉर्नवालिस लाया था, इनमें से क्या बोलते हो? बोलिए जयदेव, आपको बताना पड़ेगा कि क्या चीज रिपीट करनी है। तबस्सुम का आंसर ए है, इंडियन आर्मी का आंसर ए है, ठीक। चलिए ये आंसर सी इसका एग्जैक्टली सही है, जमींदारी सिस्टम। क्या ये जमींदारी सिस्टम, ठीक। और यहाँ पर आपके जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी है, यहाँ के सारे प्रांत आपको दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द न्यू इंडियन डोमिनियन, नए भारत का या आपका न्यू इंडिया डोमिनियन के पहले गवर्नर कौन? राजेंद्र प्रसाद, एस वी पटेल, आपके राजगोपालाचारी या माउंटबेटन, बताइए। बेटा पारिक, जमींदारी सिस्टम ऑल ओवर द इंडिया था, ठीक है, बट इसको परमानेंट सेटलमेंट का नाम बंगाल में दिया गया, महलवारी आपका मद्रास साइड पे थोड़ा सा नाम दिया गया, ठीक, या महलवारी दिया गया या आप कहेंगे रैयतवारी दिया गया, रैयतवारी दिया गया, साउथ इंडिया मद्रास साइड में रैयतवारी दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बताना भूल गए थे। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है कि जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के थे वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, बिल्कुल सही, लॉर्ड माउंटबेटन। अब बात करते हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल मैक्सिमम ट्रेड इन वेस्टर्न कोस्ट रीजन ड्यूरिंग द 17th century, बताइए। पोर्टुगीज, डच हो गए आपके हाउस ऑफ जगत सेठ या आपके मौलाना अब्दुल गफार, बताइए। इसमें भी आंसर है एग्जैक्टली सही, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसको हमने नेशनल राइजिंग का नाम दिया था, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पॉलिटिकल लीडर कौन है? कहाँ के? ब्रिटेन के। कैनिंग, ग्लैडस्टोन
या आपका पाल्मरस्टोन या आपका डिसरेली, बताइए कौन है? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इसका डी है, बेंजामिन डिसरा आपका इजरायली। ठीक है, ये आपकी कंजर्वेटिव पार्टी के अपोजिशन थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करते 1857 को अराइजिंग को। फिर है आफ्टर अ फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट द स्वराज पार्टी फॉर्म। स्वराज पार्टी किस आंदोलन के विफल होने के बाद बनी थी? क्विट इंडिया, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट, बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर बिल्कुल सही है। हम लोगों का आंसर बी, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के खिलाफ था स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई थी। और ये जो है आपकी बिल्कुल फॉर्म होकर बढ़कर तैयार थी, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था जो इलेक्शंस होने वाले थे उनमें। ठीक, कौन? स्वराज पार्टी। आंसर कौन सा सही है? बी। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चल नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। नील दर्पण ड्रामा किसने ट्रांसलेट किया, बताइए। आपका मधुसूदन, दीन बंधु, आपका हर्ष चरित्र, या आपका आप कह लो कि शिशिर कुमार घोष, बताइए। नील दर्पण एक बंगाली प्ले जो कि आपकी आपके दीन बंधु मित्र ने 1858 से 59 के बीच में बनाई थी और पब्लिश हुई थी ढाका में 1860 में। ठीक है, ये आपके बंगाल में जो भी युद्ध हुए उनके बारे में है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चल तो ये थे कुल मिला के स्टूडेंट्स आपके 20 प्रैक्टिस सेट और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाई थी क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दीजिए। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आई। प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड आपका मैंने आज पढ़ा है, कल सॉब्रिक्यूट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक सारे स्टूडेंट्स आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।